दुनिया में हम आए जीना ही पड़ेगा। चमक रहा है आपको। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये जहर जिंदगी का पी, काम करना ही पड़ेगा। तो अभी कितना बज रहा है? आज भी थोड़ा सा लेट है, ज्यादा तो नहीं बस थोड़ा सा लेट है, 1:30 पे आए हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में, काहे दिल का दी प्लस। मैं कैसी दिख रही हूँ? कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। तो अभी खाना कुछ नहीं बना है, अभी भी कुछ नहीं बना। नैन्सी कुछ नाश्ता करी है, खाना नहीं बनाया है। और ये कल मैं सामान मंगाई थी शॉप से, तो ये 2 पैकेट रिफाइंड का है, 5 किलो शक्कर लिया है क्योंकि थोड़ा बहुत गुजिया उजिया बनेगी। ये साबुन का बंडल, मेरे घर में कोई नहाने वाला नहीं है। अक्टूबर में मैंने 5 साबुन का ये लिया था, अक्टूबर में, तो वो अभी तक चल ही रहा है। मैं इकलौती नहाने वाली। और ये है सूजी का पैकेट जो कि गुजिया में लगेगा। और भी चीज़ें नैन्सी कह हमेशा रोया करती, सूजी नहीं है तो क्या बनाए, सूजी नहीं है तो क्या बनाए। तो हमने कहा पैकेट ले लेते हैं, नैन्सी के काम आएगा। ये मेरी फेवरेट चाय पत्ती है, गोल्डन टी, जो कि 2 पैकेट में बहुत हो जाता है, पूरा मंथ चल जाएगी। तो आज वीडियो आज भी थोड़ा सा कल से पहले है, अभी शुरुआत हो रही है, अब चल रहे हैं कुछ थोड़ा सा खाने के लिए अपने और नैन्सी के लिए बनाएंगे। और नैन्सी भी नहाने जा रही है, और उसके बाद हम और नैन्सी जाएंगे अमीनाबाद, नैन्सी को स्कूल का कुछ सामान लेना है। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल मत जाइएगा। बाय बाय। ये सखी तो आज लिपस्टिक फिर गड़बड़ हो गई। क्या बोलूं भाई इस लिपस्टिक को, ये इतनी महंगी लिपस्टिक लेके आई मैं, बेकार निकल गई, काली काली हो गई भी। जब इसको मोबाइल में देखती हूँ, जब वीडियो बनाने लगती हूँ, तभी ये लिपस्टिक काली दिखती है। ये वैसे जैसे मैं शीशा देखती हूँ तभी हमको काली नहीं दिखती है, तभी हमको अस्सी अस्सी दिखती है। अभी वीडियो में काली काली चुड़ैल के जैसी हो जाती, पता नहीं क्यों कभी कभी गड़बड़ हो जाती, कोई चीज़ खरीदने में मिस्टेक हो जाती। अभी रात के बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, दोपहर से मैं अभी आई हूँ, क्या ही बोलूँ। अगर सुबह से मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, सुबह से बनाती रहूँ, तो इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा कि मैं अभी इस टाइम तो मैं, मेरे पास नेट की शॉर्टेज है, तो मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने वाईफाई हटवा दिया है, तो 4G 5G फ़ोन ले लिया था, तो उसको हटवा दिया था, तो इस चक्कर में गड़बड़ हो गई थी। और अभी चल रही हूँ खाने का, अभी कोई जो खाना खाने, आज सुबह से खाना नहीं बना। एक जने सुबह बोले कि मैं खाना लेके नहीं जाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। कल दिया पूरा खाना वापस लेके आए थे, सब्जी रोटी कल दिया था बना के, ज़्यादा तक सब्जी रोटी ले जाते हैं और कुछ नहीं ले जाते। कल दिया बना के सारा खाना वापस लेके आए, आज बोले खाना लेके नहीं जाऊँगा। नैन्सी सुबह में टिफिन लेके जाती नहीं, सुबह ऐसे ही मतलब पेपर होता है तो 1-2 घंटे 2.5 घंटे में आ जाती हैं। और दोपहर में नैन्सी मैगी लेके आई, वो बना दी, वो मैंने भी थोड़ा सा वही खा लिया, मैंने खाना नहीं खाया ना बनाया, बोली रहने दीजिए। अब रात में भी अभी कोई जो खाने वाले लोग हैं वो लोग, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ भैया, मेरा कुछ इशू नहीं रहता कि मुझे क्या खाना है। अब आ जाए पूछ लूँ, लौकी ला के रखा था सब्जी बनाने के लिए, नैन्सी बोली थी लौकी की सब्जी और कोई खाएगा नहीं, मैं और नैन्सी खाएंगे बस। बड़े बड़े राजा लोग हरी सब्जियाँ नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ इशू है। और घर के अंदर 2 लोग ऐसे हैं, मम्मी इस हाथ में इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, पता नहीं मोबाइल पकड़ते पकड़ते होने लगे, जॉइंट इतना दर्द करता है कि मैं क्या ही बोलूं। अभी सामान जो आया था वैसे कि वैसे टेबल पे ही रखा हुआ है, इसको रखा उखा नहीं, अब चल रही हूँ। सोचा है आलू छोटे छोटे लेके आई थी, मुझे छोटे आलू जो मिनी पोटैटो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वही ज़्यादा तक लेती हूँ, तो वही चल रही हूँ, उबालूंगी उसी की सब्जी बनाऊंगी, ढेर सारा टमाटर डाल के और पूरी बनाऊंगी।
यही सोचा है। अब देखिए खाने वाले लोग क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या कोई खाएगा नहीं खाएगा, आई डोंट नो। मैं बना बना के रख दूंगी, रोज़ रोज़ के ही इशू हो जाता है, आज हम ये नहीं खाएंगे। अब खुद दाल पीनी है तो हम लोग तो दाल पी के नहीं जिंदा रह सकते, हमें तो दाल बिल्कुल पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं दाल को दूध वूध हमें है कि नहीं है कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी दूध मैं लाई भी नहीं, आज गई नहीं तो मैं जाऊंगी तभी दूध आएगा। मनोज तिवारी से दूध मंगाऊंगी तो मनोज तिवारी सीधा मना कर देंगे कि पैसे तुमको दिए थे तो दूध हम क्यों लाएं, ये हो जाता है ना कि सैलरी तुमको देते हैं अब दूध भी हमें लाएं। बड़ा इशू है घर के अंदर, बड़ी बहुत समस्याएँ रहती है भैया, बहुत कुछ झेलना पड़ता है ससुराल आके, वो भी हम लोग को तो अपने आप से ही सब कुछ करना है, खुद के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए वीडियो में रहिएगा थोड़ा बहुत, और क्या बोलूँ। और अभी रात के बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी है तो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है और ये टमाटर को चॉपर में चॉप किया है, 3-4 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये फ्रेश मटर और 2 मीडियम साइज़ के छोटे छोटे अनियन जिनको चक्कू से काटा है, चॉपर में नहीं चॉप किया। इधर दूध बॉयल हो रहा है और इधर पनीर है, तो मटर पनीर की सब्ज़ी जा रही हूँ बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। गोलू वीडियो देखेंगे तो बहुत चिल्लाएंगे, फिर भी बना रही हूँ। नहीं चलाई? नहीं। क्यों? गंदी क्वालिटी आती है। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है, लोग का क्वालिटी आती है। अच्छा किसने बोला? मैंने। अभी अभी
क्या आप हम लोगों को सब्जी दिखाना चाहेंगी? यार सब्जी की तो मैंने पूरी रेसिपी शेयर करी, फिर भी आप बोल रही हैं तो दिखा देते हैं। चलो ऊपर को करिए इधर। ये नैन्सी ने इसको पूरा, इसको मैं लेके आई थी इतने शौक से, नैन्सी ने पूरा इसका चूहे के तरीके, बेकार वाला है जैसे चूहा पूरा टाइट होता है, नहीं टाइट पूरा, ये देखिए पूरा वो कर दिया है, बेकार कर दिया। क्या ही बोलूं नैन्सी को मैं, रोटी भी जली जा रही है। नहीं हाय हाय रेस के पियो थामा थामे हैं। ये है मेरी सब्जी पनीर की, मटर पनीर यम। आज मैंने थोड़ा सा ग्रेवी थिक करी है, इन लोगों का इन लोगों की डिमांड थी कि ज्यादा जूस वाली नहीं बनानी है, तो मैंने इसलिए ज्यादा जूस वाली नहीं बनाई। और मजाक मजाक में रोज सोचती हूँ आज वीडियो नहीं बनाऊंगी, आज वीडियो नहीं बनाऊंगी, मजाक मजाक में क्या थामा 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 हूँ कर रही हूँ, मजाक मजाक में वीडियो पूरा बन जाता है, मैक्सिमम जितने मिनट का बनना चाहिए तो थोड़ा सा कम रहता है, 16-17 मिनट का मेरा वीडियो रहता है, 18 मिनट का, इस टाइम 12 ही मिनट तक जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, कम करते करते इतना कम होता है। तो अभी रात के बज रहे हैं 10 और मैं बना रही हूँ रोटी, और इसी के साथ गाइस वीडियो को एंड करूँगी। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो रोज़ देखा करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करिए। भूल जा रहे हैं क्या बोलना, अटक जा रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।